आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा कमेटी मुरादाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री वासुदेव कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पूर्व शुभारंभ से पहले हवन पूजन किया गया और भगवान कृष्ण की पालकी का पूजन। मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि आकाश पाल, जिलाध्यक्ष भाजपा संजय शर्मा, महानगर अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर विवेक गोयल, संयोजक भाजपा और डॉक्टर संजीव यादव, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस के द्वारा विधि विधान से पालकी पूजन कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। पालकी पूजन पंडित इंद्र मोहन शर्मा के द्वारा कराया गया। शोभा यात्रा में मेरठ, रामपुर, दिल्ली, हापुड़ और मुरादाबाद के कलाकारों के द्वारा सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। शहर मुरादाबाद के कई प्रसिद्ध बैंडों के द्वारा शोभा यात्रा को शोभायमान किया गया। शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि ये शोभा यात्रा पिछले लगभग 60 वर्षों से निरंतर निकलती आ रही है। कमेटी के महासचिव तारा चंद्र के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्य शहरों से बुलाए गए प्रसिद्ध कलाकारों, ढोल नगाड़े और बैंडों के द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। अनेकों स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया है। जय गणेश पार्वती पिता महादेवा, पाल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पाल चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश देवा माता उमा पार्वती पिता महादेवा, सूर शाम शरण आयो सफल की जो सेवा, भक्तों की लाज रखो दीनन की लाज रखो, शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, जय गणेश माता उमा पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश जी महाराज आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जन काला, नंद के आनंद नंद लाला, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन समरंग कांतिकारी, राधिका चमक रही आरी, लखन में ढाले वनमारी, कमर सी अलग कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, स्वागत करें। उनको मोमेंटो आज नहीं बोलिए, बंद है कल, अब बात रहा था। हमारे काशीपुर से भाई राजकुमार यादव जी पधारे हुए हैं, स्वागत करें। और संजीव जी से निवेदन करूंगा कि मोमेंटो देकर भाई सबका स्वागत करें। हमारी अमरवा से पधारी है राजू देवी जी, उनका हार्दिक बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी का। कृष्ण भगवान की जय, अंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अंत के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
की, हाथी घोड़ा पाल की। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, ये कार्यक्रम हमेशा की भांति रहता है यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और ये एक अनूठा प्रोग्राम होता है इसमें, और जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर तमाम महानगर के लोग, सभी बिरादरी के लोग, अन्य बिरादरियों के लोग सब इसमें इकट्ठे होते हैं, बड़े जोश से इस शोभा यात्रा को निकालते हैं। आज विधि विधान से यहाँ पूजा हुआ, इस मंदिर में पूजा हुई है, और यहाँ से फिर पालकी में भगवान बाल कृष्ण जी का रूप रख के उसको निकालेंगे, और इसमें बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें बाबा संजीव आकांक्षी जी, पृथ्वी यादव, मनीष यादव, पंकज यादव, प्रेमनाथ यादव जी, प्रमोद यादव जी, और यहाँ के पूरी समिति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बड़ी धूमधाम से इसको यहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। मेरा नाम प्रेमनाथ यादव है, मैं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा समिति का संयोजक हूँ। 45 वर्षों से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जाती थी, उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये पहली शोभा यात्रा है जो श्री कृष्ण के रूप में मनाई जाती है। बाकी और जगह और नामों से होती है, लेकिन श्री कृष्ण के नाम से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली शोभा यात्रा है जो कि गत 45 वर्षों से निकाली जा रही है। कैसा सहयोग रहता है? इसमें हमारे सभी धर्मों का, सभी बिरादरियों का, सभी समाज का पूरा सहयोग रहता है, और इसको पूर्ण धूमधाम से निकाला जाता है। ये मुरादाबाद के कंजरी सराय में यादव यदुवंशीय पंचायती भवन का निर्माण हो रहा, और जो समिति इसके निर्माण में लगी है उनके संकल्पों से ही, और उनसे पूर्व जो भी लोग लगे रहे उन सबके संकल्पों से 50 वर्ष के आसपास होने को आई शोभा यात्रा को। मुरादाबाद में जितनी भी शोभा यात्राएँ धार्मिक निकलती हैं उसकी चुनिंदा 2-3 शोभा यात्राओं में अग्रिम स्थान में रहने वाली ये शोभा यात्रा है। बड़ी शोभा यात्रा होती है, बहुत सुंदर झांकियाँ होती हैं, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को ध्यान में रख करके ऐसी झांकियों का इसमें प्रदर्शन होता है जिससे समाज को कहीं संदेश जाए, स्वरूपों का कहीं अपमान ना हो। बहुत सुंदर स्वरूप, पूरे मनोयोग से समाज के लोग जुड़ते हैं। यादव समाज के द्वारा ये कार्यक्रम तो आहूत किया जाता है, लेकिन मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ कि पूरे समाज का, कोई जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके पूरे समाज का इस शोभा यात्रा को बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो यादव यदुवंशीय पंचायती भवन बन रहा है उसमें भी केवल यादव समाज ही नहीं, पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान सहयोग है। और जिस तरह से इस शोभा यात्रा की जो कार्यकारिणी के लोग जुटते हैं, समाज के अन्य वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, समाज के क्षेत्र के लोग हों, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हों, सभी लोगों का वो सहयोग लेते हैं, सभी की उपस्थिति अनिवार्य करते हैं, प्रार्थनीय करते हैं, सभी लोग उपस्थित होते हैं। मेरा भी कई वर्षों से यहाँ इसी शोभा यात्रा में प्रतिवर्ष आना रहता है, और मैं इस बार बहुत आनंदित हूँ क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर झांकियाँ लग रही हैं। इनकी जो झांकियों के साथ साथ समाज की जो और भी हैं, जैसे मैं रामलीला महासंगठन का मुझ पर दायित्व है, रामलीला महासंगठन की ओर से भी 2 झांकियों की यहाँ व्यवस्था है। ऐसा पूरा समाज जुड़ता है, और मैं समझता हूँ ऐसे जातीय कार्यक्रम तो हों लेकिन एक जाति के कार्यक्रम में अन्य जाति और अन्य वर्गों के सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश ही शोभा यात्रा मुरादाबाद को देती है। मैं इसकी पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।